आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शुभम लंगे और आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस। एक कहानी मैंने अब तक पहुंचाने की कोशिश करी थी, जिसमें एक बाप जो था वो लावारिसों की तरह जम्मू के सेंट पीटर स्कूल के बाहर लावारिसों की तरह पाया गया था। 3 दिन तक वो शख्स ज़िंदगी से जूझता रहा, फिर भला हो उस ऑटो ड्राइवर का जिसने अपनी रोजी रोटी से उस इंसान को 3 दिन तक उसकी देखरेख करी। उसके बाद भला हो उस एनजीओ उड़ान का जिसके शीतल सिंह आए और उस ऑटो ड्राइवर की मदद से शीतल सिंह और ऑटो ड्राइवर और पुलिस उस समय पहुंची और उस इंसान को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया, जीएमसी के अंदर। कल का दिन जो था, मैंने अब तक वो तस्वीरें पहुँचाने की कोशिश करी जिसमें कैसे उस शख्स की जान जो थी वह वहाँ चली गई। मैं आपको बताऊं, बहुत दुखद पल है ये चिता जो जल रही है। आज ये शख्स अपने शरीर को छोड़कर उस भगवान के पास चले गए हैं, लेकिन उस बेटी ने तो लाश लेने से इनकार कर दिया, लेकिन पूरे जम्मू ने उस बाप को अपना बाप माना। और उस उड़ान एनजीओ की बात करें तो उसने उस शख्स को अपना पिता मानकर उसके अंतिम क्रियाकर्म जो हैं वो विधि अनुसार करवाए और आज अंतिम संस्कार जो है उस शख्स का हो गया है। इस वक्त हम सब हाथ जोड़कर दोनों आंखें बंद कर यही प्रार्थना करते हैं, भगवान इस शख्स की आत्मा को शांति बख्शे। बड़े दुखद समाचार है। और 3 दिन तक वो शख्स हॉस्पिटल के अंदर रहा, तमाम बातचीत हुई। कल एक लड़कियों का वीडियो ऑडियो भी जो था वो रिलीज़ किया गया, जिसमें एक बड़े चैनल पे उसने ये कहते हुए सुनाई दी कि हमारे कुछ पर्सनल रिलेशंस थे, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अंतिम संस्कार की अगर बात करूँ, आज मैं तथ्यों के साथ बात करूँगा क्योंकि शीतल सिंह जी मेरे साथ हैं जिन्होंने ये पूरा संस्कार किया, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनके पास उनके ही भाई जिस शख्स की, गुरदीप सिंह जी जिनका नाम है, जिनकी ये शब्द आप देख रहे हैं चिता जलती हुई, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके ही भाई ने रिटर्न में लेटर जो है उनको भेजा कि आप संस्कार कर दीजिए, आप विधि अनुसार उनका संस्कार कीजिए। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं और इनका संस्कार जो है वो इन्होंने पूरा विधि अनुसार किया है। शीतल सिंह जी हमारे बीच में हैं, हम इनसे बात जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, तस्वीरें विचित्र करने वाली हैं और इंसानियत के नाम पर कलंक हैं ये तस्वीरें, क्योंकि एक बेटी जिसका बाप इस दुनिया से चला गया वो आज लाश लेने से इनकार किया, फिर कहा हमें लाश नहीं दी गई, हमारी हॉस्पिटल में बात हुई, हमने फलाना फलाना ये किया, लेकिन आखिर में तस्वीरें आपके सामने हैं। आज संस्कार उनका उड़ान, अगर मैं एनजीओ की बात करूं, शीतल सिंह जी की बात करूं, तो धन्यवाद करते हैं हम ऐसे शख्स का, उस ऑटो ड्राइवर का भी हम धन्यवाद करते हैं जिसने इस बुज़ुर्ग को अपना पिता समझा, शीतल सिंह जी जिन्होंने उसे अपना पिता समझा और ये कहा कि मैं बेटा हूँ, बेटे होने का सारा फ़र्ज मैं अदा करूँगा। आज हमारे बीच में है, मैं इन्हीं से सीधी बातचीत करूँगा। शीतल जी, आज आपने संस्कार तो कर दिया और हम सभी जितने हमारे दर्शक भी जुड़े हैं और हम यही कहेंगे कि उनकी आत्मा को भगवान शांति बख्शे। लेकिन कल क्या जो वाक्य हुआ, एक बार फिर शर्मसार करने वाली तस्वीरें, मुझे भी एक पल वो ऑडियो सुन के लगा कि शायद इसमें सच्चाई होगी, क्योंकि वो लड़की इस तरीके से रो रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती पिता के साथ, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, झूठ दिखाया जा रहा है। लेकिन आपके पास उनके ही भाई, गुरदीप सिंह जी के भाई हैं, उन्होंने रिटर्न में आपको लेटर भेजा है कि आप संस्कार कर सकते हैं, हम नहीं ले जाएंगे इनकी लाश। देखिए, मैं लगातार मेरी उनसे बात हो रही थी, तो अगर देखिए, जब पहले दिन का भी आपको एपिसोड का पता है, जब हॉस्पिटल में उनकी डेथ होती है तो मैं उस लड़के को फ़ोन करता हूँ, जो उनका बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है मुझे नहीं पता। मैंने जब उस लड़के को फ़ोन किया सुबह 9:30 बजे के, मैं यार ऐसे ऐसे इनकी डेथ हो चुकी है तो आगे बताओ क्या करना है। उसने कहा कि जी मैं अभी सर घर में हूँ, तो मैडम सो रही है, तो मैं आपको 1.5 घंटे बाद फ़ोन करता हूँ। मैं 12:30 बजे तो उनका वेट करता रहा फ़ोन का, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया।
उसके बाद मैंने एक बजे फ़ोन किया, 2:30 बजे आपके सामने मैंने फ़ोन किया उनको, आप भी तब वहाँ थे। जब उन्होंने फ़ोन उठाया, जी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैंने उनको क्या बोला कि आप 5-6 घंटे से दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने जब 3:30 बजे मेरी उससे लड़की से बात हुई, मैं कहा चलो जो हो गया आपके साथ कोई बात नहीं। जो आज जो लास्ट उनकी अंतिम अरदास है, ठीक है, आपके वो पापा थे, आप आओ तो करो। उस लड़की ने मुझे क्या बोला कि मैं नहीं आ सकती, तो मैंने नहीं करना। उसने 2 बातें मुझे बोली, मैंने नहीं करना, आप कर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, आप शाम तक या सुबह तक मुझे बता दो। फिर रात को मैंने उस लड़के को फ़ोन किया दोबारा, शायद आपने भी किया उस लड़के को फ़ोन, उसकी लैंग्वेज आपने देख ली, काफ़ी प्रेस वालों ने उसने किया। मैंने शाम को उस लड़के को दोबारा फ़ोन किया, मैं भैया जी बताओ क्या संस्कार का क्या करना, वो तो नेगेटिव आप बताओ। कहता जी आप ऐसा करो, उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे बात करो, मेरा कोई अब लेना देना नहीं इस मसले में, और मैडम जो है वो अपनी फ्रेंड के घर हैं तो मैं अभी वहाँ पहुँच नहीं सकता। तो मैडम ने बोला कि मेरे जो इनके जो ब्रदर हैं उनसे बात करो। फिर रात को मेरी उनकी 12:30 बजे बात होती है उनके ब्रदर से, वो बड़े उनको बड़े मतलब कहते हैं ना, ठेस पहुंचती है उनको कि बेटी ने ऐसा बोला, उन्होंने बेटी को फ़ोन किया, उनके जो ब्रदर बेटी को फ़ोन किया, बेटी ने उनको डिनाई कर दिया कि मैं नहीं करूंगी संस्कार, ठीक है, ये बात बेटी ने उनको बोली। फिर मुझे रात को उन्होंने बोला कि मैं सुबह आपको मैसेज भेज दूंगा, उनका एक ब्रदर है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ वाले ब्रदर ने, और जो उनके दिल्ली में फूफड़ जी हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि उस लड़की ने डिनाई कर दिया। चाहूंगा कि मेरे सहयोगी जो हैं वो मैसेज जो हैं दर्शकों तक दिखाएं, और इसे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं इस मैसेज में। मैं पढ़कर बताना चाहूंगा आपको, टू होम इट मे कंसर्न, सब्जेक्ट लिखा गया है ऑथराइजेशन लेटर फॉर क्रीमेशन ऑफ डिसीज्ड गुरदीप सिंह सन ऑफ हरवंश सिंह, सिंस डॉटर ऑफ डिसीज्ड हैज बैग्ड आउट टू डू हर नीडफुल ड्यूटी, आई इंदर मोहन एज रियल ब्रदर ऑथराइज शीतल सिंह एज चेयरमैन ऑफ उड़ान फाउंडेशन NGO जम्मू टू कलेक्ट द बॉडी, क्रीमेट एंड परफॉर्म ऑल लास्ट राइट्स, एज वी आर अनेबल टू कम दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू जम्मू ओइंग टू कोविड रिस्ट्रिक्शन एक्सेट्रा, इंदर मोहन क्रीमेशन साहिब विद हैवी हर्ट आई एम सेंडिंग दिस ऑथराइजेशन लेटर टू काइंड पर्सन, वी शैल रिमेन इंडेबटेड टू यू ऑल टीम मेंबर्स फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये एक लेटर है जो उनके ही भाई ने इनको भेजा है। मुझे उन्होंने सुबह भेजा, तो मैंने फिर सुबह जब उस लड़की से, लड़के ने फ़ोन उठाया तो उसने फ़ोन काट दिया। और रात को वो मीडिया में, वो लड़की रात को मीडिया में बयान देती है, मतलब फ़ोन पे पहले उसका बॉयफ्रेंड उठाता है फ़ोन, ठीक है, उठाने के बाद वो लड़की रोने का ड्रामा करती है, ठीक है। जब मैंने उसे हॉस्पिटल से एक बात बोली थी, मैं कहा आपके पापा ठीक हो चाहिए, इनका क्या करना जी, आप गुरुद्वारे मंदिर छोड़ दो, वो लड़की एक नंबर झूठी, अगर वो सच्ची होती। एक चीज़ यहाँ पे दर्शकों को आप क्लियर कर दीजिए, उनकी कहीं GMC में बात हुई थी कि हम आपको बॉडी दिल्ली पहुँचा देंगे, दूसरी कहीं ये बात हुई थी कि हमने पुलिस स्टेशन में सारी उनकी रिपोर्ट दी। जो देखिए वो फ़ोन ही उठा रहे थे, ठीक है, हमारे जो मैडम हैं उन्होंने फ़ोन उनको किया, ठीक है, पहले तो वो फ़ोन ही उठा रही थी, उसको हमने NGO के थ्रू फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, उसने वही बात बोली, मैंने आपको बोली कि आप इनका संस्कार कर दो, मैं डेड बॉडी नहीं लूंगी। GMC में बात नहीं हुई, GMC कोई बात नहीं हुई है, वो ऐसे झूठ बोल रही है, लड़की बिल्कुल झूठी है एक नंबर, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। वो अपने आप को बचाने के लिए, मैं कहता हूँ ऐसी लड़की को शर्म आनी चाहिए, जूते मारने चाहिए, ऐसी लड़की को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जो एक अपने बाप की सगी नहीं हो तो किसकी सगी, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी तू कल शाम को पागलों की तरह रिकॉर्डिंग में बयान दे रही और सुबह कुछ कह रही घर वालों को, मतलब जो तेरे बुजुर्ग हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, तू उनको भी बेवकूफ तूने बना दिया, मतलब तू क्या चीज है, मुझे ये नहीं समझ आई। तो मैं तो ये सोच के पागल हो गया हूँ कि तू चीज क्या है, तेरे नाम, तेरे अंदर इंसानियत तो मरी चुकी है, इसके अंदर इंसानियत नहीं है लड़की की, ये सिर्फ झूठ बोलती है। आज वही मीडिया वाले को भी मैंने अभी बोला, मैं अब उस लड़की को आप पूछो क्यों नहीं आए, पूछो ना उस लड़की को क्यों नहीं आए, अगर तू सच्ची थी तो आती ना इधर संस्कार करती, क्यों नहीं आई, मतलब झूठ बोलना, मतलब कि हर बात में झूठ बोलना, मतलब तूने पापा को सड़कों पे छोड़ दिया मरने के लिए, तेरे अंदर इंसानियत मर चुकी है जिस बाप ने तुझे पाला। मैं कहता हूँ ये जो लड़की ने, सोसाइटी के लायक नहीं है। उसने ये भी कहा एक वीडियो ऑडियो में जो कल रिलीज की, उसमें कहा कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, वो शख्स बार बार उसका फोन उठा रहा है, ऐसे लग रहा है कि उसने अपना PA रखा हुआ, उसको हर बात वो रख रहा है उसके बिहाफ पे। और साथ में उस लड़के ने, उस लड़की से बात तो हमारी हुई नहीं, उसने मुझे आज बोला था 11 बजे में बात करवाऊंगा, लेकिन 11 बजे से मेरा फोन नहीं उठाया, उसने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया नंबर। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि उस लड़की ने जब बोला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और वो बोल रहा है कि मैं उससे बात करवाऊंगा आपके अपने फोन से,
कोविड पॉजिटिव, क्या दिल्ली के अंदर एसओपीज गाइडलाइंस नहीं है? एक कोविड पॉजिटिव इंसान कैसे किसी घर में रह सकता है, खुलेआम घूम रहा है और उसका दोस्त उसके पास से आके अपने घर में जा रहा है, वो तो एक कैरियर बना हुआ है इस समय कोरोना का। देखिए वो बड़ा छात्र दिमाग का लड़का है, सबसे बड़ा मैं कहता हूँ वो झूठा और सबसे बड़ा वो मास्टरमाइंड वही है। पता नहीं इसके अंदर क्या चाल है, हम नहीं जानते। हमने इंसानियत का फर्ज निभाया, हम किसी की फैमिली में नहीं बढ़ते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है उनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हमने जो इंसानियत थी वो मैंने निभाई है, लेकिन मुझे इस हालात में एक चीज सीखने को मिली है कि ये जो 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 ये लड़की है, ये जो लड़का है, ये कह रहा था कि मैडम घर में सोई, मुझे भी रात को उसने बोला कि मैडम घर पे सोई हुई है, फिर कहता नहीं वो फ्रेंड के साथ गई। मैं कहा गल सुन, केड़ा कोरोना होएगा, मतलब घूमन वास्ते तो करोना है, फ्रेंड के घर जाने वास्ते सोना, जिसको पॉजिटिव घर से बाहर ही नहीं जा सकता, तू पांच पांच घंटे कैसे गाड़ी चला के जा रहा दिल्ली के अंदर। तो ये इस लड़के ने झूठ बोला और कल कह रही थी कि जी मैं संस्कार करूंगी, उसने बोला कि मैं संस्कार करूंगी, तो करना था तो इतना झूठ क्यों बोला? मैं तो लोगों में तू अपने आप को क्या साबित करना चाहती है तू? मैं तो कहता हूँ तू डैन से भी बढ़ के है। उस बंदे ने मुझे मरते हुए जो बोला ना, वो ये बात बोली थी कि इस लड़की ने मुझे घर से निकाला है, मैंने जीना नहीं चाहता हूँ, और लड़की ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला कि इसको गुरुद्वारे मंदिर में छोड़ दो। मैं कहता डूब के मर जाए ऐसे। और मैं आपके चैनल में बोलना चाहता हूँ कि इस लड़की के लिए आप जो भी कमेंट करो, इंसानियत को समझ के करो कि इस लड़की को क्या सजा मिलनी चाहिए। हमने नहीं देखा कोरोना, हमने नहीं देखा कि वो कोरोना नेगेटिव है या पॉजिटिव। मैंने उस टाइम भी बोली थी पहले इसको उठाओ टेस्ट करवाओ, भगवान ऊपर देख रहा है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हुआ ना। आज हमने पूरी विधि से, पूरे सिख धर्म से उनके अरदास किया, सब कुछ किया, जहाँ पाठ भी हमने करवाया है सब किया, और उसके बाद भी ये लड़की को रत्ती भर भी शर्म नहीं। मैं कहता हूँ ऐसी लड़की को ना जूते मार मार के समाज से बाहर निकाल दो, और जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पता नहीं कितने घर खराब करेगा वो, कितने और घर खराब करे। और मैं आज का जो उसने मुझे बोला था चैनल वाले ने, तो पता नहीं आप सच्ची न्यूज लगाई है, उसने झूठ मार दिया फोन करके अपनी टीआरपी लेने के लिए। चैनल वाले भी होते हैं ना टीआरपी लेने वाली है, कभी एक न्यूज चली तो बीच में मैं अपनी टांग को साधूं तो टीआरपी ले लूं। आज वो चैनल वाले भी यहां पे आए हुए थे, अब वो कहां लड़की क्यों नहीं आई संस्कार करने के लिए? जब उसने बोला कि मैं संस्कार करना चाहती थी, वो दम रखती ना, दम रखती, फिर क्यों झूठ बोला उसने दुनिया के बीच में? बेवकूफ बनाती है वो, मैं मेरे सामने आती मैं उसको पूछता, वो चैनल वाले ने क्यों नहीं फोन करके पूछा बताओ ये आप क्यों नहीं आए यहां पे संस्कार करने के लिए? मतलब इतना झूठ बोलना, अब कहाँ सोई हुई है वो, कहाँ है वो, मैं पूछना चाहता हूँ। चलो जो हुआ अब, लेकिन आज अगर बात करें, आज आपने बेटा होने का फर्ज निभाया और उनको पूरे जम्मू ने प्यार किया, और आज पूरा जम्मू एक किस्म का आपके साथ खड़े होकर उनका संस्कार। और मैं पहले अपनी टीम के जो हमारी मैडम है ऊर्जा जी, और हमारे साथी बिकी जी, विशाल जी, संजीव जी और आरिफ जी, मुस्लिम भाई हमारे, और इन्होंने मुझे स्पेशल फ़ोन किया और ये वहाँ पे आए, पीपी किट इन्होंने डाली हुई थी, मैं भी आइए तो रहिए, पीपी किट डाली, मैं भी अंदर गया डेड बॉडी लेने के लिए, जो उनका पार्थिव शरीर था लेने के लिए अंदर गया। ये मेरे भाई हैं अर्जुन जी, साथ हैं विशाल जी थे, ये अभी हम जहाँ पे साथी, और जो हमारे सिख जूत भाई थे ठीक है नानक नगर से, वो भी जहाँ पे आए, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की मिसाल जहाँ पे होती है। देखिए सबसे बड़ी बात है इंसानियत, और मैं पूरी टीम का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने चार चार घंटे टाइम दिया, विक्की जी ने, मैडम जी ने, सब ने, और मैं सब टीम को सलूट करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया इस लड़ाई में, और हमने यहाँ तक इनको पहुँचाया, और मैं जो मेरे बेटा बनने का फर्ज था वो मेरा निभाया आगे। मैं एक बार चाहूंगा मेरे सहयोगी जो है वो कैमरा जो है वो वहां रखें, और मैं आपको एक बार जरूर दिखाऊंगा कि हमने खास बातचीत करी है, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने उस समय जब वो जिंदा थे और जब वो जिंदा नहीं है तब तक बेटे बनने का पूरा फर्ज किया अदा, और वो ऑटो ड्राइवर विक्की जी साथ में है इनके, वो अब तक साथ में है। ये तस्वीरें मैं आप तक छोड़ के जा रहा हूँ, आप खुद फैसला कीजिए, जनता जनार्दन होती है, जनता के हाथ में सब कुछ होता है। आप सभी जनता इस वीडियो को देखकर और इस शख्स की बात सुनकर और ये जलती हुई चिता को देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये इंसान जो मर गया मरते मरते झूठ बोल गया कि वो लड़की जो दिल्ली में बैठकर कह रही है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका फ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड या उसका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो शख्स उसका पीए बनकर हर एक बात कह रहा है कि लड़की सामने नहीं आ रही, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, क्या लड़की सच बोल रही है झूठ बोल रही है, लेकिन ये जलती हुई चीता क्या कह रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहुबली एक्सप्रेस पर। जाते जाते यही कहूँगा, भगवान इस इंसान की आत्मा को शांति बख्शे।